आपको पता है जीजी और जीजा जी ना मतलब एक दूसरे के सामने ना इतने खूबसूरत से प्यारे से लग रहे थे दोनों। अरे उन दोनों का अकेला क्यों छोड़े आई, जवान लड़का लड़की जो होते हैं वो एकदम माचिस की तीली और पेट्रोल की तरह होते हैं, बस थोड़ी देर अकेला छोड़ा तो आग लगने का डर रहता है, समझ रही तू? अरे रुक जा यार। अरे तू समझ तो एक मिनट जाओ, अरे कि मतलब मत जाओ, तू समझ ना रही है, मेरे बात करना बहुत जरूरी है। आप तो नहीं समझ रहे हो ना, आप जवान लड़का लड़की हो, क्यों नहीं समझते हो यार? अरे मुझसे ज्यादा कोई समझेगा, उम्र क्या है, मैं इतनी उम्र में क्या ऐसी आ गया हूं तू बात। अरे नहीं प्लीज आप पापा प्लीज यार। पंचम को फोन लगाएं। हाँ पिंटू बोल। अबे तेरे ससुर ऊपर आ रहे, तू भी आ जा जल्दी। क्या बात कर रहा है? जल्दी आ ऊपर, जल्दी आ भाई, कैसे भी करके ऊपर आ जा। अबे कैसे भी करके ऊपर कैसे आऊंगा साले, तेरे को पता नहीं है मैंने दोनों पैर की हड्डियां टूटी हुई है। एक काम कर भाई, तू पीछे के रास्ते से आ जा, मैं तुझे ऊपर खींच लेता हूँ, ठीक है? मैं कुछ नीचे डालता हूँ। हाँ चल ठीक है ठीक है, बाय बाय बाय, फोन रख। भरोसा नहीं है क्या? मुझे देखो, संजना पे भरोसा है लेकिन मुझे टंटन पे भरोसा ना है। अरे आखिर वो जवान लड़का है, तू समझ ना रही है, अभी अभी उसने जो है अपनी बदसूरत बीवी खोई है। तो अरे तो क्या, देख मैं इस बारे में ना तुझसे ज्यादा बात ना करना चाह रहा हूँ, बस बात खत्म, मुझे जाने दे। ए, क्या जाने दे, मतलब यहाँ बैठो ना आप आके यार, क्या होता है? जीजा जी तो प्यार करते हैं पिंटू जी से बहुत ज्यादा। अरे तुझे कुछ ना मालूम, ये प्यार व्यार ना है, ये मजबूरी है, मजबूरी मैं बता रहा हूँ तुझे, कुछ ना मालूम। देख मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि ऊपर जाऊंगा, ऊपर जाकर सिर्फ ये देखूंगा कि दोनों में आपस में क्या बातचीत चल रही है, इतनी बात समझ ले, मुझे जाने दे। चल ले, टूटा फूटा इंसान। अरे अरे अरे, एक सेकंड इधर आओ। आप नहीं जाएंगे। क्यों ना जाऊंगा? क्योंकि मैं बोल रही हूँ। तू कोई माता रानी है जो मुझे शराब देगी और मेरी दुकान बंद करवा देगी? अरे नहीं यार, मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि दो लोग अपनी शादी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, अगर आप बीच में पहुंचोगे तो क्या पता बात आगे ना बढ़े। इसी बात का तो डर है, अगर मैं ना गया तो कहीं हद से आगे ना बढ़ जाए बात। अरे मैंने बोला ना, जीजा जी शरीफ आदमी है। यही तो गड़बड़ है कि वो शरीफ है ना, कि वो आदमी है। सुन तू मुझे रोकेगी ना, समझ रही? मुझे जाने दे बस। अबे सुन, क्या करें अब, क्या कर रहे साले? अरे हवन करेंगे भाई, मजाक मत कर यार। मजाक नहीं कर रहा भाई, मजाक तो ऊपर वाले ने किया हमारे साथ, एक भी काम ढंग से ना हो रहा, थोड़ा हवन पूजा करेंगे, देवी देवताओं को मनाएंगे, उनके हाथ जोड़ेंगे, मुसीबत देते समय थोड़े तो टेम दो यार, सांस तो ले कम से कम। अबे यार मुझे तो साला टेंशन हो रही है यार, सेठ जी कभी भी याद धमकेंगे, अब यहाँ तो उनके सामने पंचम आ सकता है, यहाँ संजना आ सकती है, अब क्या करूँ यार, क्या बनूँ? अरे यार जो भी बनना जल्दी बन भाई, सोचने का टाइम कहाँ है, सेठ जी आ रहे हैं। तू समझ ना रही है? नहीं जा सकते। अरे ना ऐसे कैसे ना जा सकते? अरे वो चुप। अरे तू बात तो समझ। पापा देखो, पापा देखो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं तो पापा। अरे पापा एक सेकंड, पापा। ना ना ना। पापा मैं कूद जाऊंगी यहाँ से, मैं सच्ची बता रही हूँ। मैं कह रहा हूँ पापा मैं गिरने वाली हूँ। पापा इधर आओ। मैं एक मिनट ना सुनूंगा तेरी बात, मैं बता। अरे पापा यार। अरे तू कैसी बातें कर रही है बेकार की, मेरे ना बिल्कुल ना। क्या प्रॉब्लम है? देखो दरवाजा भी बंद है यार। वही तो, दरवाजा भी बंद है। हाँ तो बैठ के बातें कर रहे होंगे ना अंदर, तो उसके लिए दरवाजा बंद करने की क्या जरूरत है? अरे दरवाजा खुला लगेगा तो बातें बाहर भी तो जा सकती हैं। क्या मैं ना तुझे बात कर रही है, तू बेकार की है? अबे खोल दरवाजा। सुनो ना यार, रुक तो। अरे वरना मैं दरवाजा तो मतलब तोड़ूंगा ना, शराफत से खोल दे। एक मिनट एक मिनट। कुड़ी पटाखा।
की हो गया पाजी, आप ऐसे सांड की तरह दरवाजे पे क्यों ठोक रहे हैं? पहले उस टंटर को बुलाओ यार। उधर नाम ना पंचम है गया। अरे दो मिनट मिले ना हुए उसके, उसका नाम बताने में लग गई है। बुलाओ जा मेरे सामने। पंचू। पंचू। और ये दरवाजा बंद करके को चली गई? क्योंकि आप मुसीबत हो। मुसीबत हूँ मैं? तो बात है कामगार। अबे कहाँ चला गया दरवाजा बंद करके तू? जी सेठ जी। दरवाजा क्यों बंद कर रखा तूने? सेठ जी वो बाहर से धूप आ रही थी। अच्छा तू मोम का बना है जो धूप आ रही थी तू पिघल जाएगा। नहीं नहीं सेठ जी, वो दरअसल क्या है कि संजना जी को ना ज्यादा धूप पसंद नहीं है, उन्हें अंधेरा पसंद है, तो बस इसलिए दरवाजा बंद करके बैठे थे। संजना जी। ये बंद करके चला गया, क्या चल रहा है सब? बवाल। बवाल कभी वो आती है वो बंद करके चली जाती है, ये आता है ये बंद करके चल। पाजी सब ठीक है, आप ने जाओ, आई वॉन्ट माई पीपसी। अरे सब क्या ठीक है, है? किसी अजनबी के साथ ऐसे कमरा बंद करके बात करना ठीक ना होता है। कैसी बातें कर रहे हैं आप, वो कोई अजनबी थोड़ी ना है, मेरी तो उनसे शादी होने वाली है। पंचू। अरे शादी होगी तब होगी, अभी तो वो जगह जीजाजी है सबका। अब चलो पहले उस टंडर को बुलाओ इधर। पंचू। फिर चली गई है। अबे कहाँ चला गया बंद करके दरवाजा? जी सेठ जी। ये गाना क्यों चला रखा था तूने? सेठ जी वो दरअसल क्या है ना कि हम गायक हैं और संजना जी भी काफी अच्छा गाती हैं, तो बस दोनों एक साथ बैठ के ये देख रहे थे कि हमारे सुर मिलते हैं कि नहीं। अच्छा गाने के साथ सुर मिला रहा था या अपने साथ? आप खुद ही सुन लीजिए एक सेकंड। संजना जी। जरूर जरूर। पिंडा विच्चो पिंड सुनीदा, पिंडा विच्चो पिंड सुनीदा, बोलो हम पड़ पप्पू। आप एक काम करिए, संजना जी से खुद ही समझ लीजिए एक सेकंड। अबे कहाँ चला गया बंद करके दरवाजा? आहो जी, वो क्या है ना कि मुझे ना इस प्रकार के गाने बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छी तुझे कमरे विच बंद है कि नहीं? अरे ठीक है ठीक है ठीक है। कमरे की चाबी खो गई है कि नहीं? ठीक है ठीक है। तेरे नैना दे पुल पुले ही विच संजू खो गई है कि नहीं? अरे ठीक है। अच्छा मुझे लगता है बहुत ज्यादा बात हो गई है, अब टंटन को नीचे भेज दीजिए, आप बुलाइए उसे। देखो अब ये फिर चली गई, मैंने उससे कहा नीचे भेज दे उसे। यार फिर से चल। अबे आ रहा है नीचे ना आ रहा है। तुझे बात करने भेजा था मैंने, रंगरेलिया मनाना ना भेजा था। सेठ जी कैसी बातें कर रहे हैं आप, आपने कर दी ना छोटी बात। आपको पता है ना हमने आज तक कभी अपनी पिंटू के साथ सीमा नहीं लांगी है, हम इनके साथ कैसे लांग लेंगे? ये संजना जी है बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मिसेस पंचम के साथ तो तेरा मन ना करता होगा, और संजू तो जो है वो खूबसूरती की खान है। सेठ जी हम औरतों को उस नजर से नहीं देखते। सो प्राउड ऑफ यू जीजा जी। धन्यवाद। से बातें ही कर रहे होंगे, चलो यार अब। अरे कहीं ना जाना मुझे। सेठ जी वो दरअसल क्या है ना कि हम इन्हें अच्छे से थोड़ा जानना चाहते हैं, पिछली बार आपको पता है ना इतनी जल्दबाजी में काम किया था तो हमारे हाथ क्या लगा बूबू, तो हम बस ये सोच रहे थे कि थोड़ा इन्हें जान पहचान ले और थोड़े समय में हम आ जाएंगे। सेठ जी आप जरा मतलब रिलैक्स। बंदूक ले बंदूक कर। जा जा। क्या कहा था मैंने कि सिर्फ बातें कर रहे हैं, शरीफ है जीजा जी, चलो यार अब। शरीफ है जीजा जी। चल।
चाय है? नहीं, जलजीरा। और स्वाद के लिए दूध भी डाला है। कैसी बातें कर रहे हो इलायची के पापा, तुम भी ना? अरे कैसी बेस्वाद चाय बनाई है तूने? तेरा भाई अगर जेल में है तो क्या मुझे भी जेल जैसी चाय पिलाएगी तू? देखा, फिर बहाने से लड़ रहे हो, मेरे तो भाग ही फूट गए। होना क्या है, दिल्ली की सर्दी में धूप सेक रही है और क्या। मम्मी यार जीजी की हालत देखो, ऐसे धूप को सेकते जैसे कि जीजी पड़ी हुई है, टूटे हुए अंडे की तरह यूं फैली हुई है जमीन पर। आंटी वो क्या है ना, मैं ना सीढ़ी से उतर रही थी और मेरा ना पैर फिसल गया और मैं ना पके हुए आम की तरह गिर गई। बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, बहुत ज्यादा दर्द हो रही है। हायराम बहुत दर्द हो रहा है बेटा, रुक जा मैं तेरे लिए हल्दी वाली दूध लेके आती हूँ। आंटी उससे क्या होने, वो तो कल भी पिया था ना। कल क्यों पिया था? वो मम्मी यार वो जो जीजी है ना, उनकी बचपन से आदत है, वो हल्दी वाला दूध ही पीती हैं। बड़ी गंदी आदत डाल दी आपकी मम्मी ने आपकी, है ना। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, कोई ना। अच्छा उसकी टांगों में चोट लगे, लाओ मैं देखता हूँ। क्या आप चेक करोगे? What is this, पापा? संजना बेटा मैं देखती हूँ, हाँ कहाँ चोट लगी। लगी क्या हालत देखो उनकी, और आप तो ऐसे बोल रहे थे कि आपके आंखों में एक्सरे लगा हुआ है। प्लीज मम्मी प्लीज। मेरी आंखों में एक्सरे लगा है? मुझे तो पता ही ना था आज तक। क्या बोल रहे हो इलायची के पापा, मेरे तो भाग्य फूट गए। कोई बात नहीं जीजी, रिलैक्स करो, मैं आपको डॉक्टर के लेके जाती हूँ ना, मैं आपका प्लास्टर करा दूंगी। और ये जीजा जी कहाँ है? वो चले गए। चले गए बिना बताए चले गए? हाँ, वो बोल के गए कि मैं जा रहा हूँ और बहुत ज्यादा खुश है। अरे लेकिन शादी की बात करनी थी, कोई इशारा किया उन्होंने? पाजी मैं क्या बताऊँ, इशारा तो वो ऐसा करके गए जो उन्होंने बच्ची के सामने कर नहीं सकती हूँ। अगर आप कह रहे तो मैं बता देती हूँ। अरे ठीक है ठीक है। नहीं वो पैंचू जो। अरे ठीक है ना। नहीं पैंचू ये। मैं कह रहा हूँ ठीक है बस, हो गया हो गया हो गया। अरे क्या लगा रखा है ये सब आप लोगों ने। चलो जीजी अस्पताल लेके जाती हूँ मैं आपको, ठीक हो जाओगे, आप टेंशन मत लो। मम्मी जरा हेल्प करना इनकी। हाँ चलो 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 उठो उठो, ऐसे उठो आराम से उठो। भाई साहब दो आइसक्रीम्स। मुझे आइसक्रीम खाने का मन नहीं है। तो क्या खाएंगी सर? अरे इतना क्यों चिड़चिड़ा रहे हो यार, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। क्या डोंट वरी इलायची जी, आप जो है हमारे साथ, हमें टेंशन लेने की जरूरत क्या है। हाय मेरे मीठे रसगुल्ले। इलायची जी फालतू का मजाक मत करिए, आपको पता है फिर से कुछ ना कुछ पंगा होगा, फिर से हमारा प्लान चौपट होगा और हम फिर से फंस जाएंगे। हाय मेरी तीखी मिर्ची। हे चलो जो गरम वाले भैया इधर आना, एक बनाना जरा। कितने का है? पूरा 15 रुपए हो दीदी। पैसे दो जल्दी, पैसे दो। हाँ जल्दी जरा नींबू में डालो अच्छे से मिर्ची। हाँ ठीक ये लीजिए। एक नंबर के कंगले हो क्या ही? क्या है क्या है इलायची जी, आपका बाबा मतलब आपके पापा कोई हमें 50,000 रुपए नहीं देते मासिक तनख्वाह जो हम कभी भी निकाल के आपको देने नहीं है। भैया 10 रुपए ही है। अरे कोई बात नहीं दीदी, फ्री में खा लो, पर ये 10 रुपए अपने पास ही रखो। सुनो ये ना अपनी कंगली दोस्त से थोड़ा दूर रहो। अरे चने ले लो चने। बहुत चटपटिया। अमित जी भैया मैं भी क्या दियो। अच्छा हुआ मिर्ची को मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। संजना इज लव मी, संजना लव मी नॉट, संजना लव मी, संजना लव मी नॉट, संजना लव मी, संजना लव मी नॉट। छट्टू हेलो आप यहाँ क्या कर रहे हो? संजना जी शिकायत करने आया हूँ।
अच्छा ये शिकायत करने के लिए जमानत किसने दी आपकी? संजना जी, मैं जेल की सारी दीवारें तोड़ कर आया हूँ। मैं तुमसे सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ। हाँ? मैंने तुमसे क्या मांगा था? थोड़ा सा प्यार और कुछ बच्चे। बच्चे का क्या मतलब है? मैं गर्ल हूँ, मैं कोई मुर्गी थोड़ी ना हूँ जो मैं आपके हिसाब से अंडे दूंगी। देखो संजना, तुमने मुझसे खुद कहा था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, फिर तुम उस पंचम के बच्चे से शादी करने के लिए कैसे मान गई? संजना जी, मैं तो तुम्हारे प्यार के लिए पागल हूँ। अभी तो मैंने उस पंचम की टांगे तोड़ी हैं, फिर देखना आहिस्ता आहिस्ता मैं उसकी हाथ भी तोड़ दूंगा, फिर उसकी नाक तोड़ दूंगा संजना जी, मैं गर्दन मुंह सब सब तोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें किसी और की बनने नहीं दूंगा संजना जी। सुनो संजना, तुम मेरे साथ अभी चलो, हम दोनों अभी भाग के शादी करते हैं। संजना मेरी बात सुनो। एक मिनट, खर्चो, मेरी गलता सुनो, मेरी गलता सुनो। वो क्या है ना, मेरे ना जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, मैं ना भी चल नहीं सकती हूँ। आ देखो। कोई बात नहीं संजना जी, कोई बात नहीं, मैं उठाऊंगा तुम्हें अपनी गोदी में। मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं आ सकती हूँ, मैं बाद में मिलती हूँ तुम्हें। संजना मेरी बात समझने की कोशिश करो। छोटू प्लीज, आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। अरे तुम मेरी बात, यू आर नॉट लिसनिंग। देखो मैं, अरे संजना तुम मेरी बात तो सुनो। संजना संजना, मैं गोली मार दूंगी। संजना मेरी बात तो सुनो। हट, मेरे पीछे बह गया यार, हट जा। मैं कितनी बारी, प्लीज मेरे नजर हटो, हटो, मेरा दिमाग खा लिया मेरा। देखा संजना जी, पगली दूर भागने का नतीजा देख लिया। भगवान भी तुमसे नाराज हो गया, लेकिन मैं नाराज नहीं हूं। आई लव यू संजना, आई लव यू। हाँ भाई, छटंकी के बच्चे ना, मतलब तुझे यूं शर्म ना आ रही पिंकी जी की जेल तोड़ के बार बार भाग रिया तू है? चल तुझे लेके जा रहे अपना। संजना जी आप ना यही इंतजार कीजिएगा, पिंकी जी इसको वैन में छोड़ के आ रही है अभी। अरे आप लोग जरा एम्बुलेंस को फोन करके बुलाओ, इनकी मदद करो, आ रहे अभी। चल चल। टूट गया। ओह माय गॉड, जीजा जी, मतलब जी जी, क्या हो गया? एलाइची, वो एक कुत्ता गाड़ी चढ़ा गया मेरे पैरों के ऊपर। हॉस्पिटल, आप मदद करो। हेल्प। हाँ भाई। अरे ये अपना संजना जी कहाँ चली गई? इधर वो गिर गई थी ना, वो कहाँ गई? ले गए? अच्छा एम्बुलेंस ले गई होगी, चलो अच्छा है, बेचारी वो भी गिर गई। अरे भाई ये मोबाइल किसका गिर गया यहाँ पे? अरे आपका ही ये मोबाइल है? किसका मोबाइल हो रखा है जो ऐसे रास्ते में गिरा के चला गया? कोई बचपन से दिल्ली में रह रिया हो?